कि हमारे नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहराम बांधे और उमरे के लिए यहाँ से रवाना हुए। इसमें गेट लगा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की लड़ाई के बाद में, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये सब मार्केट वगैरह हैं। ये मस्जिद काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन मस्जिद है। यहाँ की जितनी तारीफ़ की जाएगी कम है। मैं यहाँ की बस स्टैंड दिखा रहा हूँ, जो यहाँ से फ्री से वाली बस चलती है, अलमिकात मस्क्यू। गाइस जी, यार मैं हूँ इंताफ, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। आज हम जाने वाले हैं मस्जिद जोहराना। जो भी वहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे हम जा कर के बात करेंगे, ठीक है। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊँगा कितनी नंबर बस पकड़ के वहाँ पर जाया जाता है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे टर्मिनल 2 यानी मरवा बस स्टैंड से बस, और सीधे जाएंगे मस्जिद जोहराना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ टर्मिनल 2 मरवा बस स्टैंड। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर बसें लगी हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये 4 नंबर लगी हुई है, उधर 4 नंबर, ये 8 नंबर है, फिर उधर सामने 4 नंबर लगी है, ठीक है। वो 10 नंबर लगी है लेकिन उसमें भीड़ है, ठीक है। हम दूसरी बस का इंतज़ार करते हैं यहाँ पे, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ बस आने के बाद। A few moments later. तो भाई जी यार, इधर हमारी बसें आके लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी में बैठ करके जानी है मस्जिद जोहराना। तो भाई जी यार, फाइनली मैं बैठ चुका हूँ बस में, तो चलिए चलते हैं। Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya। तो गाइस यार, आप लोगों को जबले मोल की जियारत करनी है तो 60 नंबर उतर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 10 नंबर पकड़ के आइए, 360 नंबर बस इसके पे उतर जाइए। सामने वो दिखाई दे रहा है, बहुत सामने मुझे नज़र आ रहा है ऊपर में। इस स्टेशन का नाम है अल आदिल 360। Ya Allah 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 thanks to Allah ya Allah thanks to you। तो गाइस यार, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद जोहराना। आने में तकरीबन 1 घंटा लगा। ये मस्जिद मस्जिदुल हरम से 24 किलोमीटर दूरी पे है, उत्तर और पूरब के हिस्सा में है। यहाँ की व्यू मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं। सबसे पहले इंटर होने के बाद में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इधर पानी है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पानी वगैरह पीने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मौसम की बात करें तो मौसम में तकरीबन अभी भी गर्मी है, खूबसूरत शाम होने को चली है। अभी यहाँ पर तकरीबन 5 बजने वाला है, 5 बज करके कुछ मिनट हो रहा होगा शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो। एक्चुअली यहाँ पे एक टंकी की तरह स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पता नहीं ये क्या है लेकिन टंकी के शेप में ये स्ट्रक्चर है। गाइस यार, मैं वो जगह आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पे कहा जाता है कि हमारे नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुआँ पे गुसल फरमाए और यहाँ से अहराम बांधे और उमरे के लिए यहाँ से रवाना हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल हेरिटेज, पुराना स्ट्रक्चर वगैरह है, कुआं है, ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर वगैरह हो गया है, ठीक है। ये रेडियस यानी सर्कल के शक्ल में ये मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इधर पेड़ वगैरह है, इसमें गेट लगा दिया गया है, हो सकता है आने वाले समय में कभी कभी खुलता होगा लोग, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पर ये क्या है क्या नहीं। ये लोग कहते हैं लोग कि इसी कुआं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल फरमाए। तो गाइस यार, एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये मस्जिद दिखा रहा हूँ, ये दूसरी तरफ से यानी पीछे के साइड बैक साइड से। ये मस्जिद मिकात स्थानों में से एक है, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मिकात उसको बोला जाता है यानी जो हदूद से बाहर, यानी जैसे मक्का से बाहर है मस्जिद है, जैसे मस्जिद ऐसा भी है वो भी मक्का से बाहर है, उसी की जगह को शायद मेरे ख्याल से मिकात बोला जाता है। हमने एक अरबी से पूछा
तो उन्होंने बताया। तो चलिए हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी हिजाज कराम लोग आते हैं, उसूल वगैरह करते हैं और उसके बाद में एहराम बांध के यहाँ से उमरा के लिए निकलते हैं मक्का। तो देख सकते हैं और यहाँ से निकलेंगे तो ये दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये एरिया आप लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल से वुमेन वगैरह के लिए है, नमाज वगैरह अदा करने के लिए, और इधर मेन्स वगैरह नमाज वगैरह अदा करते हैं। तो गाइस यार फाइनली मैं आ चुका हूँ नीचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की लड़ाई के बाद में यहाँ पे खेमे वगैरह लगाए थे और कुछ दिन रुके हुए थे, और उसके बाद में यहाँ से गुसल वगैरह करके एहराम बांध करके उमरा करने के लिए रवाना हुए थे। मैं इस मस्जिद के अगल बगल का जो जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इधर ये टॉयलेट्स वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं ये टॉयलेट्स वगैरह है। ये छोटी सी मस्जिद है लेकिन काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। आप इस एंगल से देखिए इस मस्जिद का व्यू, इधर बाहर से कुछ ऐसे देखने को मिलता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये सब मार्केट वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी खासी दुकानें हैं। ये शहर ही होगा पहले जब होगा तब, दूसरी तरफ से ऐसे देखने को मिलती है मस्जिद। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं दूसरी मरतबा आया हूँ, एक बार आया था तो मेरे पास समय नहीं था, इसी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। आप लोग देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मस्जिद काफ़ी शानदार काफ़ी बेहतरीन मस्जिद है, यहाँ की जितनी तारीफ़ की जाएगी कम है। मैं यहाँ की बस स्टैंड दिखा रहा हूँ, जो यहाँ से फ्री से वाली बस चलती है, सामने ये बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। भी दुकानें वगैरह हैं, ये बस लगी हुई है, ये बस आखिर यहीं तक आती है, ये आखिरी स्टॉप है। 10 नंबर बस पकड़िए, मस्जिद जोहराना आ सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने यहां से उमरा वगैरह नहीं किया है, हमने जब भी उमरा किया है मस्जिद ऐसा से एहराम बांधा है और उमरा के लिए निकला है और उमरा किया है, यहां पे पहली दफ़ा आया है। इंशाल्लाह ये उमरा हम लोग करेंगे, यहीं से आकर के एहराम बांधेंगे और यहाँ से जाएंगे मस्जिदुल हरम और जा करके उमरा करेंगे। इस स्टॉप की बात करें तो ये दिखा रहा हूँ कि कितना नंबर स्टॉप है, आप लोग देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको नज़र ना आए, यहाँ पे 436 नंबर मस्जिद जुराना। इधर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ तक आगे तक दुकानें, उधर आगे एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं इधर एक्चुअली क्या है क्या नहीं, इधर के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये पुराना स्ट्रक्चर है। ये मस्जिद के दूसरी तरफ का व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे दूसरी मरतबा आया हूँ, पहले मरतबा आया था तो हमारे पास वक्त नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था वीडियो वगैरह बनाने की। मैं इधर तक घूमते घूमते आ गया तो हमें एक चीज़ दिखाई दिया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अलमिकात मस्क्यू ओल्ड हाजी स्टेशन उधर है, दूसरी तरफ पड़ता है। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah। तो गाइस यार जितनी जानकारी वगैरह देनी थी उतना हमने दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता चलिए चलते हैं, बस वहाँ पे लगी हुई है बस स्टैंड में और बस में बैठेंगे जाएंगे, अब भी हमारी बसें लगी हुई हैं। तो गाइस यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिदुल हराम। एक बार मैं फिर आप लोगों से दोहरा रहा हूँ, अगर आप लोगों को जबले नूर की जियारत करनी है, ये सबील वाले बस पकड़ के जानी है, यानी फ्री वाले बस पकड़ के जानी है, तो यहाँ से 10 नंबर बस पकड़िए और 360 नंबर स्टॉपेज पे उतर जाइए, और यहाँ से जो 10 नंबर बस खुलती है 360 पे रुकेगी वहाँ उतर जाइए, बीच में भी रुकती है, और फिर उसके बाद में मस्जिद जोहराना तक जाएगी। फिर मस्जिद जोहराना से जो लोग भी आने वाले हैं, अगर जबले नूर की जियारत करनी है उन लोगों को, तो 359 नंबर स्टॉप पे उतर करके आप लोग जा सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को अब ख़त्म करने की वक्त आ चुका है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।